का वीडियो, लेकिन इन्होंने बोला कि इसका ले मत लेना, तो लेना पड़ा। कोहरा पड़ा हुआ है, पर ऐसा कैमरे में दिख नहीं रहा इतना, है ना शुरू? आज क्या है, तुम लोग बम ब्लास्ट कर रहे हो? गणपति पापा और माता रानी के दर्शन कर लीजिए सभी लोग। बच्चे लोग बॉम्बी फोड़ रहे, खुश मना रहे लग रहा आज भी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो आप लोगों को जैसे कि पता है आजकल मैं बहुत बिजी हूँ, इसलिए अच्छे से वीडियोज़ नहीं बना पा रही हूँ। छोटे छोटे क्लिप्स है जो मैं थोड़ा बहुत बना लेती हूँ, तो वो सब ऐड करके एक ब्लॉग बना के आप लोगों को दिखा दे रही हूँ। तो चलिए बने रहिए ब्लॉग में। बैठा था तो ऐसा लग रहा था कि बहुत गहरी नींद में चला जाएगा, पता नहीं सच बोल रहा है कि नाटक कर रहा है। उसको जल्दी जाना, उसके लिए नौटंकी कर रहा है। उसको मैंने बोला मराठी का चैप्टर पढ़ने के लिए, तो सोने हाँ, तो उसको अच्छी तरह से समझा करो। यहाँ पर रखा हुआ है, और यहाँ पर मैं बना रही थी, ब्लाउज कटिंग करने जा रही थी, पर ये सोने जा रहा है, इसलिए अभी इसको लेके जाना पड़ेगा घर पे मुझे। और मैंने बहुत सारा सामान ले लिया है सब देने के लिए, दिखाती हूँ आप लोगों को। ये मैंने दुल्हन का ब्लाउज रेडी कर दिया है, जो गाँव वाली दुल्हन है उसका, मेरी ननंद की बेटी का। और दूसरी दुल्हन का ब्लाउज यहाँ पर रखा है, कटिंग कर रही हूँ। कैसा लग रहा है डिज़ाइन? प्यारा लग रहा है ना? और मैंने थोड़ा सामान भी लिया, वो भी दिखाती हूँ आप लोगों को। जब वीडियो बना रही थी तो एक कस्टमर आ गई, तो मुझे वीडियो बंद करना पड़ा। और आयुष्मान अब रेडी हो चुका है चलने के लिए, जाने के लिए बहुत ड्रामे है इसके। मुझे शॉप बंद करनी पड़ेगी, फिर जाऊँगी थोड़ा देर घर पर रुकूँगी, खाना ना खा के, फिर उसके बाद आ जाऊँगी। तो भी ये सारा सामान ले लिया है मैंने, सबसे अच्छा मुझे इसमें ये लगा है, ठीक है, ये हेयर पिन है, बहुत ही प्यारा लग रहा है, सुंदर लग रहा है ना, बालों में लगाएंगे ना बहुत अच्छा लगेगा। और ये लिपस्टिक, ये भी हेयर पिन, ये हेयर रबर है, हेयर बैंड है, नेल पेंट, और ये भी सब कुछ ले लिया है मैंने, टिकली भी ले लिया है। सब कुछ बात देती हूँ, जो भी मुझे समझ में आया मैंने ले लिया है। दीदी कुछ गुस्सा मत करना प्लीज़ क्योंकि और भी बहुत कुछ है लेने के लिए, पर मेरे पास टाइम नहीं है, तो जाते भी कॉम है। रखो 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 रखो, अरे अरे लाओ रखो, चलो चलते हैं। पर अजय आ गए, अच्छा बैठो खा लो, कुछ खाने के लिए देखे गए हैं। और बोले थोड़ी देर के बाद में आना तुम लोग, क्योंकि वो गए घर पे, दीदी को लेके गए हैं अभी, बोलो थोड़ा टाइम के बाद में आएंगे, तो इसलिए बोल रहे हैं कि थोड़ी देर के बाद में। हाँ ठीक है, ऐसे खा लो, दिखाओ क्या है। राइस है, पर आयुष्मान का टिफिन है और स्पून है, आयुष्मान खा लेगा इससे, बाद में इसको धो के मैं ही खा लूँगी इसमें, क्योंकि हमारे पास सिंक है हमारे पास, इसमें पानी भी आता है, तो यहाँ पे साफ करके खा सकते हैं आराम से। खा लो मेरे हीरो, बचपट खा लो, ठीक से रख, बैग में रख, अभी दीदी आ जाएगी तो जाना पड़ेगा तुझे, पहुँच रही अभी, आ ही रही है वो, 15 साल बाद बोल रहा है, आ रही है, ठीक है आ गई, चल बाय। तो अभी अजय तो आ नहीं पाए क्योंकि उनका एक्सीडेंट हो गया है, तो डॉली जॉब से आ रही थी, उसने बोला मम्मी मैं यहीं से जाऊंगी, तो आयुष्मान को भेज देना मैं लेके जाऊंगी। तो अभी आ गई मेरी बच्ची लेके जा रही है, मैं शाम को जाऊंगी घर पे। तो दिखाना भूल गई थी, ये भी बना दिया है, ये भी लोग देख रहे हैं, इसका पीछे से बैग बहुत ज़्यादा डीप है, जब लड़की पहनेगी तो उसका फ़ोटो ले लूँगी, उसको बोलूँगी पहन के फ़ोटो निकाल के भेज देना मुझे। आयुष्मान के स्कूल में स्पोर्ट्स सिलेक्शन, आयुष्मान रेडी हो चुका है फटाफट, हाँ मैंने जल्दी उठाया, तो उठ नहीं रहा था तो मैं क्या करूँ, कितना कोशिश कर रही थी, लेट उठाया जल्दी उठाया, जल्दी लेट उठाया, लेकिन सिलेक्शन की वजह से आयुष्मान को फिर से पीटी यूनिफॉर्म पहन के जाना पड़ा है। और ये निमोना बन रहा है जो मेरी भाभी ने बनाया, जो मुझे बार बार फ़ोन करके पूछ रही थी कि दीदी कितना दिन लगता है निमोना बनाने में, तो मैंने उनको बताया कि कितना दिन नहीं लगता है, आधा घंटा मुश्किल से लगता है बनाने के लिए। और फिर मैं शॉप पे आ गई थी, यहाँ पर मैंने दूसरा भी ब्लाउज़ तैयार कर दिया है, तो ये डिज़ाइन कैसा लग रहा है आप लोगों को प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। मैं बहुत मेहनत से वीडियोस भी बनाती हूँ, बहुत मेहनत से कपड़े भी बना रही हूँ, तो आप लोगों को अच्छा लगेगा तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए अच्छे अच्छे, और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए जितना हो सके उतना, क्योंकि मुझे आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। बहुत मेहनत से वीडियोस बना रही हूँ पर कुछ हो नहीं पा रहा है, प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए आप सभी लोग। एक्सीडेंट हो चुका है, गाँव जाने वाले थे बेचारे बोल रहे थे मैं नहीं ले रही थी इसका वीडियो, लेकिन इन्होंने बोला कि इसका ले मत लेना, तो लेना पड़ा। नहीं तोड़ोगे? हाँ। नया लाके तुमको ही देना पड़ेगा, तोड़ो तोड़ो तोड़ो,
तोड़ो नहीं कट करूंगी, ये डालूंगी जरूर मैं, ऐसे ही मुझसे लड़ते रहते हैं देखो सभी लोग। अभी देखो, अब देखो गुस्सा देखो। इसीलिए इनका नाम मैंने रखा है अमरीश पुरी। सारी पैकिंग वगैरह कर लिए थे गांव जाने के लिए, एक्सीडेंट की वजह से टिकट भी कैंसिल करवाना पड़ा। मेरे कपड़े निकाल के यहाँ पे अपने कपड़े रखे उसमें। उनका तो बचपन का नहीं, 22 साल पुराना उनका सपना है कि मेरे कपड़े घर में कबर्ड्स में ना रहे, मेरे कपड़े यहाँ वहाँ पड़े रहे, उनके कपड़े कबर्ड्स में रहे। और आज तीसरा दिन है और फिर से मैं शॉप पे पहुँच गई हूँ और मैंने बहुत ही प्यारा सा डिज़ाइन बनाया है ब्लाउज का। तो आप लोगों को ये कैसा लग रहा है प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना और शेयर भी करना मेरे वीडियोस को। बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप लोग, आई होप आप अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो अभी पता नहीं कुछ भी नहीं, अभी जा रही हूँ शॉप पे मैं। पहले आयुष्मान को स्कूल से घर पे छोड़ूंगी, उसके बाद में शॉप पे जाऊँगी। अटक तो नहीं रहा है तू, कितनी सारी बातें कर दी मैंने, सब अटक ना गया हो। मेरा फेवरेट सीरियल चालू है पर उसको छोड़ के जाना पड़ेगा। चलो बाय बाय, बाय बाय। ये मेरे बच्चियों ने क्या करवा लिया है, डॉली का तो था पहले से ही, बाल को पूरा खराब करवा लिया है। खराब ऐसा लग रहा हूँ गीता, गीता कैसा लग रहा हूँ, एकदम अच्छा लग रहा हूँ, एकदम मजे लग रही है। ऐसा लग रहा है कि कोई और है, मेरी बच्ची कहाँ गई पता नहीं। ऐसे नहीं बोलते, हीरोइन आ गई घर पे। हाँ ठीक है, हीरोइन आ गई घर पे, पर अलग लग रहा है, लवली नहीं लग रही है तू। इतनी अच्छी लगती थी मेरी बच्ची, कैसे दिखा रही, ऐसी लगती थी, कितना प्यारा लगता था बाल। मैंने जो कुछ भी सब कुछ बहुत मेहनत से इन लोगों के लिए अच्छा बनाया था, ये सब लोग खराब कर देते हैं फट से। हमें फर्स्ट टाइम करा हुआ यार, आपको मेरा बचपन का फोटो देखने का है, मैं बचपन से ही एटीट्यूड गर्ल थी। तब मम्मी को दिखाऊं? अब बताओ कौन थी सहमी सी जिनको खाना नहीं मिला 10 साल से। ओ माय गॉड, तब यंगती बहुत, अब तो बुढ़ी हो गई हूँ। अच्छी लग रही थी लेकिन ना। अरे देखो एटीट्यूड गर्ल, मुझे क्यों बुलाया। तो अभी आज सुबह मैं थोड़ा लेट गई थी मैं शॉप पे, लेकिन ये आयुष्मान है और मैं, अलग लग रहा है ना। पूरा दिन भर मैं शॉप पे रह गई आज, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि बहुत लेट आ गई हूँ तो थोड़ा काम करूँ। फिर डॉली है इसलिए मैं शॉप पे रह गई थी दिन भर। अभी 10:30 बजे घर पे आई, खाना ना खा के अभी बैठी, तो मैंने सोचा चलो आप लोगों से कुछ बातें कर लेती हूँ, आप लोगों को बता देती हूँ मेरे बच्चे ने बाल खराब कर दिया। थोड़ा टाइम लगेगा अडेप्ट करने के लिए। तो चलिए आज के ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, देखते कल कुछ। पर इसमें क्यों नहीं दिख रहा मेरा कलर, ब्राउन है बाल का कलर लेकिन इसमें ब्लैक दिख रहा है। ब्राउन नहीं है, पिस्ता कलर होता है ना वो कलर है। पिस्ता कलर नहीं है, गेहूं का कलर है। गेहूं का कलर, गेहूं गोल्डन मतलब। वो हमारे बहुत गंदा स्मेल आ रहा है ना, पर वो बोले वॉश करेंगे तब जाएगा स्मेल। सुनील के बाल ब्लू, अरे ब्राउन थे तेरे बाल हैं, रीता के बाल ब्राउन। सुप्रीमेसी ऐसे दिख नहीं रहा है ना, ब्लैक दिख रहा है ऐसे, पर नेचुरल कुछ और ही कलर है, ब्राउन दिख रहा है हम लोगों को, ब्राउन दिख रहा है। तो चलिए मिलते बाद में।